आज हम एक ओल्ड डॉक्यूमेंट को कैसे रिपेयर करते हैं एमएस वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्ट पे। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करके एमएस वर्ल्ड को हमने ओपन किया है। ठीक है, एमएस वर्ल्ड को हमने ओपन किया है। फिर इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करके पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ई फोल्डर में है। नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास डबल क्लिक से भी कर सकते हैं, इंसर्ट से या डबल क्लिक से हमारे पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स आ गया। सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से इसके यहाँ से साइज बड़ा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे, इसको यहाँ से हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट पे इस फॉर्मेट से इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर पिक्चर, पिक्चर में यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इस पर क्लिक कर लेंगे। ये देखो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स रिपेयर हो गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये हम इसको कैसे रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में शेप पे, शेप में मैंने ये लिया है, इसको मैंने यहाँ से, फिर यहाँ पर नो आउटलाइन, फिर यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। फिर इंसर्ट में जाते हैं, शेप में, शेप में पिन इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर इसको ऐसे रिमूव करते हैं, फिर यहाँ पर नो आउटलाइन। ठीक है, यहाँ पर फिर इंसर्ट में जाते हैं, शेप में फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, मैं कहता हूँ ये लाइन रिमूव। ठीक है, यहाँ पर नो आउटलाइन नहीं हो रहा, फिर इंसर्ट शेप, नो आउटलाइन। ठीक है, ऐसे हम रिमूव कर सकते हैं। मैं कहता इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ से इंसर्ट पे जाते हैं, फिर शेप में, फिर यहाँ पर बॉक्स उठाते हैं, या मैं कहता हूँ इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पर नो आउटलाइन। ठीक है, ऐसे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, इसको हमने आज रिमूव किया। ठीक है।